अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ आर्टिकल्स बाय मैडी। आज मैं आपको एक सिंपल सी इजी वे बताऊंगी कि आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस को, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, इनकी डोमेन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये 9.4 है, इसकी डोमेन का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पीछे डोमेन स्टेटेड ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डोमेन स्टेट कैसे करनी है आपने। ये देखिए 9.4, यहाँ पे 9.4 का आंसर्स नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डोमेन आपने लिखनी कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सलूशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 9.4 का, यहाँ पे आप इसके सलूशन में डिवाइड में, आप इसके सलूशन में डिवाइड में देख रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा, तो आप इसकी डोमेन लिखेंगे थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू एन पाई बाय टू। जैसा कि मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता है कि पाई बाय टू होती है कॉस की डोमेन और साइन की डोमेन होती है एन, यानी कि एनी नंबर पे एन पाई बाय टू, यानी कि किसी भी नंबर पे हमारा जो एंगल है वो अनडिफाइंड या ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। अब आप इसके सोल्यूशन में देखें, सीकेंड कॉस साइन कॉस इज इक्वल टू, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास डिवीजन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिवीजन आंसर वन लेकर आएंगे। हम अब इसकी जो है कॉस थीटा साइन थीटा डिवीजन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी भी सेम वही डोमेन होगी एन थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू एन पाई बाई टू, यानी कि अगर थीटा एन पाई बाई टू हुआ तो साइन और कॉस का आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो तब हमारा ये अनडिफाइंड हो जाएगा रेशो। थर्ड क्वेश्चन की डोमेन जो है आप 2n+1 पाई बाई टू है। अब मैं आपको बताऊँगी ये क्यों है। आप थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, कॉस थीटा प्लस टैन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। आपने देखा कि कॉस थीटा यहाँ सिर्फ नीचे डिवीजन में कॉस थीटा है, तो जो सिर्फ डिवीजन में कॉस थीटा है तो आपने इसकी डोमेन लिखनी है 2n+1 पाई बाय टू, क्योंकि डिवीजन में खाली कॉस है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डिवीजन में हमारे पास साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, तो इसकी डोमेन हमारी होगी एन पाई बाई टू, वही वाली डोमेन, ये वाली डोमेन होगी फोर्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आप हमारे पास देखें, फिफ्थ क्वेश्चन सिकेंड टू थीटा कॉस सिकेंड टू थीटा इज इक्वल टू दिस। इसमें आप देख सकते हैं कि डिवीजन में हम लोगों के पास साइन कॉस दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक प्लस के साथ आ रहे हैं। प्लस का केस एक स्पेशल केस है हमारा, जिसमें ये दोनों नीचे आ रहे हैं। हम व्यूअर्स, आपको मैंने फोर्थ वाले क्वेश्चन की डोमेन बताई है थीटा इज इक्वल टू एन बाय पाई टू, सेम इज़ द केस जो मैंने केस आपको इधर बताया, एंड थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये वाली डोमेन आपको मैं बताऊंगी कि इस सिक्स वाले क्वेश्चन की डोमेन ऐसी क्यों बन रही है। आप सिक्स वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, कॉट स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर, इसमें हमारे पास खाली साइन स्क्वेयर नीचे डिवीजन में आ रहा है, तभी हमारी जो डोमेन बनी है वो एन पाई बनी है। सेवन क्वेश्चन में वही कॉस डिवीजन में आया है, तभी 2n+1 पाई बाय 2 है। सिक्स क्वेश्चन में कॉस और साइन जो है वो डिवीजन में नहीं आए, एट क्वेश्चन में कॉस और साइन डिवीजन में नहीं आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके सोल्यूशन में कॉस और साइन डिवीजन में नहीं है बल्कि सिंपल है, तो आपने इसकी डोमेन एन पाई लिखनी है। इसकी डोमेन होगी एन पाई, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में कॉस और साइन नहीं है। जब डिवीजन में होते हैं तो एन पाई बाय टू, जब डिवीजन में नहीं होते, जब डिवीजन में हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो डिवीजन में तो एन पाई बाय टू, और जब डिवीजन में ना हो सिंपल हो एन पाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, उसमें भी कॉस डिवीजन में है तभी 2n+1 पाई बाय 2 है उसके सोल्यूशन में। हाँ जी, टेंथ वाले में आपने देखा होगा इसके सोल्यूशन में डिवीजन में आपको कॉस प्लस साइन नज़र आ रहा है और डिवीजन में है, तो आपने इसका करना क्या है। जी हाँ, कॉस और प्लस वन साइन प्लस वन। क्वेश्चन नंबर टेन में मैं आपको बताऊंगी कि ये आया कैसे। जी हाँ, आपने देखा है साइन और कॉस में प्लस है, तो आपने साइन और कॉस को ऐसा थीटा एंगल लिखना है जिसमें ये दोनों आपस में ज़ीरो हो और लेकिन एंगल्स ऑपोजिट हों। 3π/4 इसलिए क्योंकि 3π/4 135 डिग्री का होता है और 135 डिग्री पे दोनों के आंसर जो हैं वो सेम साइन के साथ आते हैं और डिफरेंट साइन के साथ आते हैं, तभी जब वो एक साइन पे, अगर साइन 135 करें तो पॉजिटिव आंसर आएगा, कॉस 135 करें तो नेगेटिव आंसर आएगा, तभी वो
थीटा हमारी ये डोमेन हो जाएगी। व्यूअर्स, 11th क्वेश्चन में भी साइन और कॉस जो हैं वो डिवीजन में नहीं आते, तभी यहाँ एन पाई इसकी डोमेन है, थीटा की डोमेन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 की डोमेन जो है वो थीटा इज इक्वल टू आर है। आपको मैं बताती हूँ कि थीटा इज इक्वल टू आर क्यों है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन में, यहाँ पर डिवीज़न में हमारे पास साइन और कॉस प्लस के साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस और साइन हमारे पास प्लस के साथ आ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास नीचे आकर ये दोनों सिंपल हो जाते हैं, डिवीज़न में नहीं आते, तो तब हम इनकी जो डोमेन है थीटा मस्ट बी इक्वल टू आर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। साइन और कॉस का आंसर हर रियल नंबर पर आता है, इसीलिए साइन और कॉस थीटा मस्ट इक्वल टू आर। 13 वाले क्वेश्चन की डोमेन जो है थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू एन पाई, इसी में साइन और कॉस जो है वो डिवीज़न नहीं आ रहे और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए एन पाई आता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही चीज़ है कि कॉस डिवीज़न में आ रहा है इसके सोल्यूशन में, तभी हमने 2n + 1 n π/2, 2n + 1 का मतलब है एनी ऑड नंबर, π/2 जो है इट इज़ द डोमेन ऑफ द कॉस थीटा फंक्शन। 15 वाले में थीटा इज इक्वल टू आर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर रीज़न बताई है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही रीज़न है कि कॉस डिवीज़न में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही रीज़न है कि कॉस और साइन डिवीज़न में तो आ रहा है, लेकिन डिवीज़न में वो दोनों आपस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवीज़न में, तभी उनको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए उनको एन पाई बाई टू डोमेन आई है। 18 वाले की भी कॉस डिवीज़न में आ रहा है, तभी कॉस थीटा 2n + 1 π/2 कॉस थीटा डिवीज़न में है, तभी। 19 वाले में आप देख सकते हैं थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू एन पाई, क्यों? क्योंकि कॉस और साइन थीटा जो हैं वो डिवीज़न में इधर नहीं आ रहे। 20 वाले में भी यही काम है, थीटा मस्ट इक्वल टू पाई, क्योंकि जब साइन या कॉस आता है तो हम डिवीज़न में थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई रखते हैं। यहाँ पर 21 वाले की भी यही रीज़न है, 22 वाले की भी यही है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं पे भी देखें साइन कॉस डिवीज़न की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में नहीं आ रहा। 23 वाले की रीज़न यही है कि थीटा जो है कॉस थीटा वो डिवीज़न में आया हुआ है, हमारे पास सोल्यूशन में आप देखें तो डिवीज़न में कॉस थीटा आएगा, तभी हम लोगों ने यहाँ पे 2n + 1 π/2। लास्ट क्वेश्चन की मैं आपको एक स्पेशल रीज़न बताती हूँ कि उसकी डोमेन 2n + 1 π/4 क्यों है। आप देख सकते हैं ये दोनों नेगेटिव साइन है, ये माइनस हो रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इस वाले क्वेश्चन में प्लस हो रहे थे तो तभी हमने 3π/4 लिखा, इस वाले क्वेश्चन में माइनस हो रहे हैं तो हम इनको ज़ीरो बनाने के लिए थीटा को क्यों, थीटा को डोमेन वो नंबर है जिस पर थीटा का आंसर ज़ीरो हो जाता है, जो कि हमें नहीं लाना, हम ताकि हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अनडिफाइंड ना बन जाए। आप देख सकते हैं पाई बाय फोर पे 0.707 कॉस भी आपके कैलकुलेटर का देगा और साइन भी देगा, तो आप लोगों ने साइन और कॉस की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें, तो यहाँ अगर कॉस 45 पुट करें, साइन 45 पुट करें, दोनों को माइनस करें, तो आंसर आपका अनडिफाइंड बन जाए, क्योंकि दोनों पे आंसर सेम आता है और सेम साइन के साथ आता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये डोमेन लिखी है। आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल लाइक माई वीडियो। कभी विल कम नेक्स्ट इंशाल्लाह विद सम न्यू वीडियोज़। आई होप यू कीप वॉचिंग टिल माई स्टडीज आर्टिकल बाय मैडी चैनल। थैंक यू।